हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज हम आपको सरसों के तेल के फायदों के बारे में बताएंगे। सरसों का तेल हर घर में इस्तेमाल होता है, साथ ही ये प्राचीन समय से आयुर्वेद में एक अहम भूमिका निभा रहा है। सरसों के तेल में कई गुण होते हैं जो आपके सेहत को दुरुस्त करता है और उसकी उम्र भी बढ़ाता है, साथ ही ये तेल दर्दनाशक भी होता है। तो चलिए जानते हैं कि सरसों के तेल के और कौन कौन से फायदे होते हैं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती या कम लगती है, उन लोगों को सरसों के तेल से बना खाना नियमित रूप से खाना चाहिए। सरसों का तेल एक एपेटाइजर के रूप में काम करता है जो आपकी भूख को बढ़ाता है। सरसों के तेल में मौजूद विटामिन जैसे थायामिन, फोलेट, नायासिन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे मोटापा कम होने में मदद मिलती है। लंबे समय से अस्थमा से परेशान लोगों को सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों के बीज में मैग्नीशियम ज्यादा होता है जो अस्थमा को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये तेल सर्दी को और स्तन में होने वाले प्रॉब्लम को भी दूर करता है। सरसों के तेल में विटामिन ए, सी और के अधिक मात्रा में होता है जो बढ़ती हुई उम्र से होने वाली झुर्रियों और उसके निशान आदि को कम करता है। सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जिससे स्किन टाइट बनी रहती है। सरसों के तेल में कैंसर को रोकने वाला ग्लूकोसाइनोलेट होता है जो शरीर में कैंसर के ट्यूमर को बनने से रोकता है, साथ ही और प्रकार के कैंसर को भी शरीर में नहीं होने देता। सरसों के तेल से सिर पर मालिश करने से बाल तेजी से बढ़ते हैं, साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है जिससे आपकी बाल झड़ने की समस्या दूर होती है। ये बालों को पोषण देता है जिससे आपके बाल लंबे और घने होते हैं। भूरे बालों से परेशान लोगों के लिए सरसों का तेल किसी दवा से कम नहीं है। रात को सोने से पहले नियमित रूप से सरसों का तेल सर पर लगाएं। कुछ ही दिनों में आपके बाल काले हो जाएंगे। यदि दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो सरसों के तेल में नमक मिला के दांतों पर रगड़े। कुछ ही देर में आपको दर्द से राहत मिलेगी और आपके दांत भी मजबूत होंगे। सरसों का तेल शरीर की शक्ति बढ़ाने में काफी असरदार है। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए और कमजोरी दूर करने के लिए सरसों के तेल से रोज मालिश करें। सरसों का तेल नियमित इस्तेमाल करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम रहता है। जिनको दिल की बीमारी होती है उन्हें सरसों का तेल नियमित रूप से खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों का तेल त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सरसों के तेल में विटामिन ई अधिक मात्रा में होता है जो आपकी त्वचा को यूवी रेस से बचाता है। दर्द चाहे जोड़ों का हो या गठिया का, सरसों के तेल से मालिश करने से सभी तरह के दर्द से मुक्ति मिलती है। सर्दी में ठंड के वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द में सरसों के तेल को गुनगुना करके उससे मालिश करने से बहुत ही राहत मिलती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप आज ही से सरसों के तेल को अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ सरसों के तेल के फायदों पे बना हमारे ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। और आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी घरेलू वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल आप प्राकृतिक स्क्रब के रूप में कर सकते हैं। आज करके प्रदूषण भरे वातावरण में बाहर निकलने से चेहरे पे धूल की परत जम जाती है, जिसके कारण आपके चेहरे पे कील, मुहासे, रैशेज निकलने लगते हैं जो आपके चेहरे की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर देता है। कभी कभी क्लींजिंग मिल्क से साफ करने पर भी चेहरे पे ताजगी महसूस नहीं होती या कहे रौनक लौट के नहीं आती। ऐसे में एक ऐसे स्क्रब की जरूरत होती है जो आपके चेहरे के डेड सेल्स को साफ करके उसकी चमक लौटाने में मदद करे। आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि घर में ही कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जिनसे आप बड़ी आसानी से चेहरे के लिए स्क्रब बना सकते हैं जो आपके चेहरे को बिना साइड इफेक्ट सुंदर बनाता है और उसकी चमक लौटाने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं।